स्टडी ड्रीम एक क्रिमिनेशन कोड उपरा यूट्यूब चैनल देख रहे ही सारे ही स्रोतों को प्यार भरी सत श्रीकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारयां दा। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं साडे यूट्यूब चैनल सबसक्राइब किया, हरेक जी अपडेट आउंदी हैगी तुसीं उहनां नूं लाइक करदे हो, कमेंट करदे हो। तो अज्ज जिहड़ी खास अपडेट हैगी तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हां, कैनेडियन गवर्नमेंट ने अज्ज इहे नवीं एक पॉलिसी स्टार्ट कीती हैगी ओपन वर्क परमिट लई, उस दे बारे अज्ज विचार करांगे तुहाडे नाल। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो एंड तक जरूर देखो ताकि तुहाडे दिमाग च कोई भी डाउट हैगे आ ओपन वर्क परमिट दे रिगार्डिंग वो तुसीं अपने क्लीयर कर सकदे हो, तुसीं मैनूं कमेंट भी कर सकदे हो, मैनूं कॉल भी कर सकदे हो। तो इस जी अज की खास अपडेट हैगी उन्होंने परिवारक मैंबर की वर्क परमिट की योग्यता का विस्तार करेगा गया कनेडा। कनेडा हज़ार भारतीय पेशेवर होर विदेशियों लाभ पहुँचाने वाले व्डे कदम तहत मजदूरों की घाट को पूरा करने कनेडा अगले साल तो ओपन वर्क परमिट ओ डबल्यू पी धारकों के परिवारक मैंबर वर्क परमिट की योग्यता का विस्तार करेगा। ओ डबल्यू पी विदेशी नागरिकों को किसी भी रुजगारदाता के किसी भी नौकरी लिए कनेडा काम करने की इजाजत दिता है। इस संबंधी प्रवास शरणार्थी और नागरिकता मंत्री सीन फ्रेजर ने ऐलान किया है कि उन्होंने विभाग अस्थाई विदेशी कामियों के परिवारक मैंबर का वर्क परमिट वधा के वधा रहा है। फ्रेजर ने ट्वीट किया है कि साल 2023 तो कनेडा परिवारक मैंबर वर्क परमिट का विस्थार कर रहा है जिस तहत मुख्य बिनेकार के जीवन साथी और बच्चे कनेडा में काम करने के योग होंगे। उन्होंने प्रेस का बयान में कहा कि कनेडा में मुख्य बिनेकार ना परिवारक मैंबर वर्क परमिट की योग्यता का विस्थार करने नाल रुजगारदाताओं को लोड़ींदे कामों को लभन च सहायता करेगी, ताकि मजदूरों की घाट भी पूरी हो सकती है। इस नाल इसकी शुरुआत सेहत सेवावां होटल रेस्टोरेंटा ते कुछ होर कारोबारां तो की जाएगी। मंत्री फ्रेजर ने कहा है कि नवी नीति तो लगभग 2 लाख विदेशी कामों को लाभ होगा तो कारोबारों कामे रखने सौख होगी। उन्होंने आख्या कि इमीग्रेशन नीतियों को कनेडा की रुजगार मार्केट दीयां होर लोड़ां अनुसार रखा जाना जरूरी है। सो दोस्तों वर्क परमिट अगे भी आप लगा रहे थे तो वर्क परमिट में चेंजेस की कितने वो मैं तुम्हें दस दिना। अगे आप ओपन वर्क परमिट अपलाई करते थे तो आप जो थोड़े स्पाउस कनेडा वर्क परमिट है आप नॉक ए बी सी जीरो की अपनी रिक्वायरमेंट होंगी सी वर्क परमिट की, वो जॉब होनी जरूरी होंगी सी स्पाउस को। चीज़ नीति हम चेंज कर जा रहे हैं, जेकर तुहाडे स्पाउस कोई भी जॉब हैगी निक्की है वड्डी लैवल की जॉब हैगी है वो तुहानू स्पोंसर करन दे योग होणगे, क्योंकि हम आप अक्सर देखते हैं जे कि वर्क परमिट के बेस से आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल अपलाई करते हैं तो अपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना पैंदा भी अपने तुहाडे स्पाउस को जॉब की नॉक लैवल कि जीरो ए बी सी आप नौ बी दे लैवल बेस से अपलाई करते थे, जे नॉक सी दे अपलाई करते अपना वीजा रिजेक्ट हो जाता है। सो इस पॉलिसी में जो इमीग्रेशन चेंज कर जा रहा है कनेडियन गवर्नमेंट चेंज कर जा रही हैगी है, क्योंकि ये हो तो रहा है क्योंकि मजदूरों की बहुत घाट हो चुकी है, ठीक है। उस कारण जो इतने विदेशी काम जो है नहीं लभ रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ नीति को चेंज किया। जेकर तुहाडा स्पाउस स्टडी कर रहा है कनेडा, उन्होंने कोल किसी प्रकार जो वर्क कर रहे हैं तो जो स्टडी वाले है तो सिंपल आप स्पोंसर कर ही सकते हैं, तुम डायरैक्ट ओपन वर्क परमिट की फाइल लगा सकते हो क्योंकि उस आप जॉब की ज़्यादा जरूरत नहीं पैंती हैगी। सो जिन्होंने स्पाउस वर्क परमिट है उन्होंने अपने स्पाउस में बुलाने लिए नॉक जीरो ए बी की जॉब शो करनी पैंती सी। आप हुण भी जिहड़े अपलाई करके चलते हैं आप नॉक जीरो ए बी की जॉब चाहिए होंगी है जे तुहाडा स्पाउस वर्क परमिट हैगा, जे तुहाडी वर्क परमिट की फाइल अपलाई करनी हैगी है। सो नैक्सट ईयर तो यह चीज़ पॉलिसी चेंज होने जा रही हैगी है, किसी भी प्रकार की तुहाडे स्पाउस को जॉब होवे तो तुसीं अपने ओपन वर्क परमिट के योग होवोगे। तुहाडे परिवारक मैंबर भी इस चीज़ चेंजेस कीते जांदियां जाणियां, तुसीं तुहाडे आप स्पाउस तुहाडे बच्चे तुहाडे परिवारक मैंबर वर्क परमिट अपलाई करन दे योग होणगे। अगे पॉलिसी की आँदी हैगी है तो नोटिफिकेशन आते अपन सही पता लगू कि कौन कौन स्पोंसर कर सकता, कौन कौन वर्क परमिट जा सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन आप प्रॉपर वे ना आएगा उस हिसाब से आप तुहानू क्लीयर करांगे। सो दोस्तों इस तो सीधा क्लीयर होंगे कि कनेडियन गवर्नमेंट हैगी वीजे अगे तो आने वाले साल में वधा रही हैगी वीजे की जी रेशो हैगी हूँ, क्योंकि स्टडी परमिट दे अपलाई कर रहे हैं वर्क परमिट अपलाई कर रहे हैं वीजे आ रहे हैं बच्चों के, हुण नैक्सट आने वाले साल आप इस चेंजेस देखा की चेंजेस आदि है फिर तो चीज़ क्लीयर की जाएगी। धन्यवाद जी।